सामने को मैं हूँ हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। इमरान खान आज यहाँ से रैली का आगाज करेंगे, कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं। जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आज इमरान खान रैली का आगाज करने जा रहे हैं, आज लेबर डे के मौका पर, क्या कहना चाहेंगे सर आप? कहना क्या, सबसे पहले तो मैं भावल नगर से आया हूँ और अब खान भी मुल्क के लिए निकला है तो सब लोगों को चाहिए कि उसका साथ दें, क्योंकि मुल्क अब बड़ी गलत सिचुएशन में है। इन डाकुओं ने ये 13 क्या मदारी इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने 70 साल से मुल्क को लूटा है। अब कौम को भी समझ आ गई है, अब कौमें जिंदा हो गई हैं इंशाल्लाह ताला। अब मैं तो कौम को ये पैगाम देता हूँ कि ये एक सच्चा लीडर है, उसका साथ दें तो हम भी निकले। मुझे ये बताएं, एक दफ़ा फिर उन्होंने जमान पाक जो ऑपरेशन किया उसकी तर्ज का चौधरी परवेज लाए के घर में ऑपरेशन किया, क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं बाज आ रही? क्यों ये बाज आ जाएंगे? ये करना चाह रहे, ये मुल्क की बर्बादी करना चाह रहे हैं। इन ऑपरेशनों से कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ कल, ये जाती उम्रा कोई दूर तो नहीं है, ये एक रवायत डाल रहे हैं। कल इंशाल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत है, लेकिन इमरान खान ऐसा बंदा नहीं है। और लेकिन हम तो उनको मशवरा देंगे कि जिस तरह ये कर रहे हैं ना, इस तरह इनका हाल भी करें। मुझे बता दें, ये ऑपरेशन करके अवाम को डराना चाह रहे हैं कि अवाम बाहर नहीं? अब अवाम वो उनके अंदर इतना शऊर आ गया, वो डरने वाले नहीं हैं। अब तो ये बिशर्मों की तरह हुकूमत कर रहे हैं, जैसे बिशर्म नहीं होते ये हुकूमत कर रहे हैं। मैं जैसे इलाके से मेरा ताल्लुक है, वो नून लीग का गढ़ हुआ करता था, 100% वहाँ नून लीग ही हुआ करते थे, अब वो ज़ीरो रह गए। जब ऐसी पोजीशन हो जाए तो ये इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अब कौम साथ नहीं है। असल जो है ना, कौम जो होती है ना, वही सब कुछ होती है, उनके वोट से ही लीडर बनते हैं। जब कौम साथ छोड़ देना तो फिर जो अखा मखा की हुकूमत करना, ये बेशर्मी होती है, ये अकलमंदी, ये बेशर्म हो चुके हैं। बेशर्मों का क्या फीचर, इन्होंने कौम को भी शुरू से तबाह किया, कौम को ना तालीम हासिल नहीं करने दी ताकि लोगों के अंदर शऊर ना आए, लेकिन इमरान खान ने लोगों के अंदर शऊर डाल दिया है। अब जो चारा काट रहा होता है ना खेतों में, वो भी लीडर बन गया है, यकीन करें वो लीडर बन गया है। और ये लीडर बनाने वाला इमरान खान है, इमरान खान एक सच्चा इंसान है, तो सच्चे के साथ अल्लाह ताला की तरफ भी हुक्म है कि सच्चे के साथ। मुझे बताएं, आज मजदूरों का आलमी दिन है, ये तो कहते थे कि हम गरीब को रिलीफ देंगे, मजदूर को रिलीफ देंगे, क्या कहेंगे, क्या हालत है? ये रिलीफ देने वाले नहीं, ये तो गरीब और मजदूर को ख़त्म करने वाले लोग हैं, और ख़त्म कर दिए इन्होंने लोग। इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया है, और ये इंशाल्लाह ताला एक तो वो भगौड़ा बाहर बैठा हुआ है, कौम को भी समझ होनी चाहिए कि जो जिनके बच्चे बाहर होते हैं, जिनके बिजनेस बाहर होते हैं, वो कभी मुल्क के साथ फेर नहीं होते, वो लंदन वाले हैं, वो लंदन किसके साथ ही फेर हैं, उनका उठना बैठना खाना पीना बाहर है, वो हमारी बेटी है। मैं तो बेटियों को बुरा नहीं कहता, ये इन लोगों के ये कमीने हैं कि ना बेटियों को छोड़ते हैं, ना बहू को छोड़ते हैं, ना किसी माओं को छोड़ते हैं, लेकिन वो भी बाहर पिकने कर रही है। ये अल्लाह के घर गए हुए थे, अल्लाह के घर, अल्लाह ने इनको घुसने नहीं दिया, ये इधर उधर फिरते रहे हैं, ये अल्लाह के घर के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, आज खान साहब रैली का आगाज कर रहे हैं यहाँ लिबर्टी से, कितनी तादाद में लोग आएंगे? देखें, अभी तो शुरुआत है, अभी तो टाइम काफ़ी है, अभी तो लोग आना शुरू हुए हैं, तो थोड़ी देर के बाद देखिए यहाँ अवामी एक समुंदर होगा। तो हम खां की काल पे निकले हैं, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि लोग बहुत यहाँ आज तादाद में आएंगे। आज मजदूरों का आलमी दिन है जी, लेबर डे है आज, आज लेबर डे है, क्या कहना चाहेंगे, इस हुकूमत ने मजदूरों की क्या हालत कर दी? देखें, हालत आपके सामने ही है, कोई भी मजदूर देख लें, कोई भी इस वक्त यानी कि उसे अपने बच्चों के लिए जो भी है तलीम के लिए अखराजात नहीं है, कम पड़ गए हैं, जो बेचारा किराए पे रहता है उसको किराए की फिक्र है, वो बच्चों को तलीम दे या दो वक्त का खाना दे, यानी कि ये लोग सब जब से ये गुलदस्ता चोरों का आया है, इन्होंने अवाम को रिलीफ तो दिया नहीं, ये आपस में रिलीफ तकसीम कर रहे हैं, यानी 14 जमातें हैं आपस में रिलीफ। हाँ, एक और मैं वादा कर पूछना चाहता हूँ, ये यानी हुक्मरानों से या कोई भी ताकतवर हलका है कि जो ऑपरेशन किया है चौधरी प्रवीलाही घर पे, इन्होंने वफाक कह रहा है कि ये हमने नहीं किया, नगरान सेटअप जो कह रहा है वो मदीने में बैठ के कह रहा है कि ये मुझे मेरे इल्म में नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस मुल्क में किसकी हुकूमत है, हमें बताया जाए, पाकिस्तानी आवाम को बता दिया जाए कि किसकी हुकूमत है।
जिन्होंने ऑपरेशन किया। मुझे बताएं, पहले इन्होंने जमान पाक का ऑपरेशन किया, इमरान खान के घर का दरवाज़ा तोड़ा, कारकुनों को मारा पीटा, उसके बाद परवेज लाई के घर ऑपरेशन किया। ये कौम को डराना चाह रहे तो क्या समझते हैं, लोग डर चुके हैं, क्या हुआ? देखें, अभी हमने खौफ के बूत तोड़ दिए हैं, हमें एक ऐसा लीडर मिल चुका है कि हमें यानी कि मौत का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। बहुत शुक्रिया।